हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिंगर बंसीधर चौधरी के जैसे हम क्लीन आवाज कैसे बनाते हैं और किस तरीके से हम लोग पूरा कंप्लीट सॉन्ग को मिक्स कर पाएंगे सिंगर बंसीधर चौधरी के जैसा। तो देखते हैं और सीखते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखिए ताकि आप आसानी तरीके से सीख पाएं। म्यूजिक से जुड़ी आगे आने वाली सारे वीडियोस को देखने के लिए मेरा यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाते समय सेलेक्ट करें ऑल नोटिफिकेशन ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम आपको सॉन्ग सुना देते हैं और मैं इनको क्या करता हूँ, सॉन्ग सुनाता हूँ आपको। तो चलिए सॉन्ग सुन लेते सबसे पहले और फिर देखेंगे ये किस तरीके से मिक्स हो पाता है। तो चलिए देखते हैं सॉन्ग सुन के। ओकरा चलते सुहना सखी यार बात दलिए छोड़ आ कहियो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा मांगे भूत तो आपने सॉन्ग सुना और आई थिंक आपको लग रहा होगा उसी तरीके का सॉन्ग, उतना ही क्लियर आवाज़ है और वैसा ही कंप्लीट है। तो आप अगर आपको ये वीडियोस देखना है और आप कंप्लीट देख पाओगे इस वीडियोस को तो देखते रहो और इसी तरीके का सॉन्ग आप बड़ी आसानी तरीके से मिक्स कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले सॉन्ग को मिक्स करके और सिंपल, सबसे पहले हम सिंपल यहाँ पर सुन लेते हैं। तो नॉर्मल हम वॉइस हम सुन लेते हैं नॉर्मल वाला, देखते हैं हम टेम्पो 110 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। 110 मैंने टेम्पो सिलेक्ट करा और देखते हैं। तो ये हमारा नॉर्मल है, जो वोकल्स जो रिकॉर्ड होता है नॉर्मल जिस तरीके से वो वाला हमारा है, ठीक है। तो बेसिकली हम इनको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे कंप्लीट और आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना ताकि आप बड़ी ही आसानी से सीख पाओ। तो सबसे पहले आपको वर्चुअल डीजे ओपन करना है, टेम्पो देखना है, इसका बीपीएम चेक करना है, 110 है और सी माइनर स्केल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको फिट कर लेंगे जल्दी से। यहाँ पे लगाया सी माइनर, सी और माइनर और इसको सेट ऑल, रिटर्न स्पीड 0। सबसे पहले ट्रैक बंद करते हैं और देखते हैं। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छो आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा मांगे भोट हे हाय सखी हो सैया पलक दल के तोर हे हाय सखी हो। तो ऑटो ट्यून हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। इक्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, हम इनमें इक्वलाइजर ऑन करेंगे और इनको क्या करेंगे वोकल्स को सुन के और इक्यू करेंगे। चलिए करते हैं। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा मांगे भोट हे हाय सखी हो सैया पलक दल। देखो बेसिकली अगर आप इक्यू मतलब इक्वलाइजर्स और अगर आप इक्यू करने में मिस्टेक कर रहे हो तो आपका सॉन्ग सही तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो आप इक्यू बड़े ही ध्यान से करना और बहुत ही आसानी तरीके से इसकी फ्रिक्वेंसी सेट करना इक्वलाइजर्स की। इक्वलाइजर्स सही होगा तभी सॉन्ग अच्छे तरीके से मिक्स हो पाएगा। तो और हम इसमें देखते हैं इम्प्रूवमेंट आ पाएगा। देखो ये वोकल्स को खिलाता है तो देखते हैं। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा मांगे भोट हे हाय सखी हो सैया पलक दल के तोर हे हाय सखी हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। अभी आगे बढ़ेंगे और एफएक्स इसमें डालेंगे। एक एफएक्स हम यहां से डाल लेते हैं, दूसरा एफएक्स अभी डालेंगे। एच रिवर 5.0 डाल के देखते हैं कैसा ये दे रहा है, क्योंकि मैंने अगले वीडियो में दूसरा डाला था तो अभी इसको डाल के देखते हैं। इससे पहले आर भर मैंने डाला था मोनो स्टूडियो, जो कि हमारा रिवर्ब ए और रूमवर्क एस सी दोनों का काम कर रहा था। अभी हम एच रिवर्ब डालते हैं और ये देखते हैं किस तरीके का हमें आवाज़ दे रहा है। तो एच रिवर्ब 5.0 का इस्तेमाल करेंगे, देखते हैं। तो प्ले करके सुनेंगे तो आई थिंक मुझे और आपको भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मिक्स करते टाइम आप प्ले करके सुनो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो प्ले करके सुनते हैं और इसको फिट करते हैं फिर आपको बताते हैं। चलिए देखते हैं प्ले करके। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं
हमरा कहियो नहीं माने बेवा चुम्मा मांगे भोर ओकरा चल ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोड़ आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने बेवा चुम्मा मांगे भोर हे हा सखी हो सैया पलंग दल के तोर हे हा सखी हो पियाबा पलंग दल के तोर। तो ये एच रिवर्ब जो है एक काम कर रहा है रूम वर्क्स का, और यहां देखो एच रिवर्ब दो इफेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप रिवर्ब जानते हो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना, तो रूम वर्क्स का थोड़ा थोड़ा वर्क कर रहा है और रिवर्ब बी का भी काम कर रहा है। तो ये दोनों इफेक्ट अगर आप नहीं लगाना चाहते हो और चाहते हो दोनों का मज़ा लेना एक साथ, तो आप एच रिवर्ब 5.0 का इस्तेमाल करना। दोनों का फ्लिंग्स आएगा 30% पे है और इसकी डिफ़ॉल्ट है, कोई भी प्रीसेट इसके अंदर मैंने नहीं सेट किया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो भी आता है वही है। ठीक है, देखो अगर आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हो अपने अनुसार इसको सेट करके। बेसिकली मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रखा हूँ, एच रिवर्ब डाला हूँ। ठीक है, अभी एक काम करेंगे इसके अंदर पिंग पोंग डिले डालेंगे और देखते हैं कैसा ये हमें लग रहा है वोकल डिले। और ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं मा। अभी देखो हमारा डिले लगाने के बाद ही इसका वोकल्स काफी अच्छा खिल जाएगा, देखो आप देखते रहना। ओकरा चलते सुहना सब फिर से मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ, अगर आप सॉन्ग को प्ले करके मिक्स करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं इसको पहले सॉन्ग को प्ले करके मिक्स कर लेता हूँ थोड़ा सा, मतलब पिंग पोंग डिले का सेटिंग्स कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये किस तरीके से मैंने करा है सब कुछ। चलिए देखते हैं। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा मांगे भोर हे हा सखी हो सैया पलंग दल के तोर हे हा सखी हो। तो आप देख सकते हो ये पूरा कंप्लीट रूप से खिल चुका है वोकल, और इसमें मैंने क्या करा है डिले 1/8 करा है। अगर आप चाहो तो 1/ इसको करके देखते हैं 1/32D। ओकरा चलते सुहना बट इतना भी ज्यादा बेहतर नहीं होगा, हमें 1/8D ही काफी रहेगा। ठीक है, ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर। तो काफी अच्छा वोकल्स है और डिले की जरूरत नहीं पड़ेगी आगे। फीडबैक लगभग 18% है और मिक्स 20% है। ठीक है, एक डालेंगे इसके अंदर फटाक से CLA का स्टूडियो और इसे कट देते हैं, इसको कुछ भी दिक्कत नहीं है। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर। अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ CLA का स्टूडियो डाल दिया, उसके बाद एक यहाँ पे सी कम्प स्टूडियो डाल लेते हैं, C1 कम्प स्टूडियो डाला और इसके अंदर एक हाफ बेस कंप्रेसर कर लेते हैं, राइट रहेगा बेस कंप्रेसर इसके लिए। और इसके बाद एक यहाँ से EQ के अंदर से हम सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडियो EQ, और यहाँ पे कोई भी प्रीसेट डाल देते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि बेहतर रहेगा। और एक यहाँ पे डाल देते हैं हम डिले, और डिले डालेंगे मोड डिले, और यहाँ पे करेंगे हम बाउंस, और नहीं तो ऑक्टा कंट्रोल करके देखते हैं, ऑक्टा कंट्रोल, और यहाँ पे 12% राइट। बस इतना ही काम किया है इसके अंदर, और एक काम हम और कर सकते हैं मास्टरिंग के अंदर। डिवाइस के अंदर जाएंगे, मिक्सर पैनल को ओपन करेंगे और देखो ये ट्रैक, थोड़ी ट्रैक पावरफुल रहेगी तभी ये सेटिंग्स काम करता है, अगर आपका ट्रैक में पावर नहीं है तो ये सेटिंग्स नहीं काम करेगा। चलो ट्रैक को सुनते सही है कि नहीं है। तो ट्रैक सही है जो कि मैंने खुद बनाया हुआ है FL स्टूडियो से, और आगे आने वाला है बहुत सारा वीडियोज किस तरीके से ट्रैक बनाते हैं। अगर आप लोगों का प्यार अच्छे तरीके से रहा चैनल पे तो आगे भी वीडियोस आएगी, ट्रैक कैसे बनाते हैं, म्यूजिक कैसे बनाते हैं, रिदम कैसे बनाते हैं, सारी वीडियोस आएगी, आप देखते रहो बस। ठीक है, तो बहुत ही जल्द आने वाली है कुछ, लगभग अगर चैनल पे कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, ज़्यादा मेम्बर्स हो जाते हैं, तो ट्रैक बनाने की वीडियोज भी मैं लाऊंगा। तो सबसे पहले इनको ट्रैक सही है हमारा, अभी क्या करेंगे इनके अंदर डालेंगे डिवाइस से हम मिक्सर और पैनल ओपन करके यहाँ पे इफेक्ट, और इफेक्ट यहाँ पे डालेंगे मास्टरिंग के अंदर एक मल्टीबैंड कंप्रेसर। मल्टीबैंड कंप्रेसर डालने के बाद नॉर्मली आपको मास्टर 2 कर देना इसका प्रीसेट और कट करना है। कट करने के बाद चलिए सुन के देखते हैं कैसा लग रहा है। ओकरा चलते सुहना सखी यार बाक दलिए छोर आ तइयो नहीं माने पियाबा कहियो नहीं माने पियाबा चुम्मा।
आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो और सॉन्ग मिक्स किया हुआ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, अपने दोस्तों में शेयर, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करते समय सेलेक्ट कर लेना ऑल नोटिफिकेशन। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए, सीखते रहिए, कुछ नया म्यूजिक से जुड़ी हर एक चीज़ यहाँ पर मिलेगा आपको, तो देखते रहिए और सीखते रहिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए।